हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। थोड़े से काम से बाहर आई थी, इंशाल्लाह घर जाके आपसे मिलती हूँ। बहुत तेज बारिश और हवा है, क्या बारिश नहीं हो रही है, मजे ले लो। शाम को मैं फिर बाहर निकली। हमारे घर के पास एक शोरूम है और आपको पता है कि मैं घर का डेकोरेशन कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें देखनी थी। ये वॉल क्लॉक मुझे पसंद आई लेकिन ये डैमेज थी, तो वो पता कर रहे थे लेकिन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अच्छा हुआ मुझे ये वाली मिल गई है और ये उससे भी ज़्यादा बेटर लग रही है। फिर रिज़ा और रिहान को स्टेशनरी लेके आना था, उनको कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो उन्होंने ले ली हैं और अभी हम चलते हैं घर। जीते अच्छा तू भी अभी? अरे वाह, मैं मजाक कर रहे हो। कौन सी मूवी? अगर तुम लेके जा रहे हो तो सच बताओ ना, मजाक मत करो। कौन सी लगी है? ये तो शो है 8 बजे का। तो फिर कर रही हो? नहीं, आप मजाक कर रहे हो। नहीं, मजाक कर रही हो। अगर मजाक निकला इस बार तो देखना तो बहुत मुश्किल। अगर आप मजाक निकला तो कुछ नहीं करेंगे, वीडियो भी बंद कर देंगे। वीडियो बंद करने के बाद जो हालत होगी वो देख रहे हो। रियल है भैया, रेडी हो जाओ। पक्का? हाँ, यही सिनेमैक्स पास में। सिनेमैक्स कहाँ से केले लेके आयो? अम्मा तुम्हें अभी सर्दी थी ना, तबीयत ठीक है अब? देखो कवर कितने अच्छे से चढ़ गए हैं, 2 मिनट में। ये न्यू कवर लेके आई है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये लाए, इतने दुपट्टे लाए, ये हर माल लेके आई हो। ये बताओ तुम लोग केले पे ऐसे क्यों टूट पड़े हो? आजमान कर रहा, कम से कम 10 दिन से नहीं खाए थे केले, तो आजमान कर रहा था। सलाम तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम सबको अम्मी की तरफ से। तो आप ये दुपट्टे लेके आई हो और ये क्या लेके आई हो? बर्तन धोने का, नहाने को। अम्मा के नहाने का लो। अम्मा की कड़ा कैच करो, रुको। 1 2 3 ये। अरे वाह अम्मा, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, सच में अच्छे हैं। ब्रशदानी, हाँ ब्रशदानी। और ये गरम गरम जलेबी भी लेके आया। ये कहाँ से लेके आया? सब बटोर लाए। अरे अम्मी, ये भोपाल में कितनी लेते थे ना। हाँ, और ये बेटे तुम लोग इसे क्या बोलती हो? इसको कचौर बोलती थी ना, बोलते थे। देखो क्या है, फाइनली आज इतने दिनों बाद रेहान की आई गई। अरे नहीं, अच्छा मत दिखाओ। और देखो ये 2 ब्रश लाए। ये कुत्ता क्यों बोलते हैं? पहले सब लोग कुत्ता। सब लोग बहुत लेट हो गए, 8 बजे का शो है और 8 बजे में 5 मिनट बचे, इसलिए मैं आपसे बात करती हूँ वहीं पहुंच या फिर आप। आज मैंने अपनी तमन्ना पूरी कर ली, कैरेमल और चीज़ दोनों ले लिए और रिजा रेहान को फिल्म काफ़ी अच्छी लगी थी। अभी हम घर जा रहे हैं ऑटो में बैठकर। अम्मा दिखा रहे थे उस वक्त, पहन लिए, बहुत अच्छे। दुआ मांग रही हो? कंगन दिखाओ। हाँ ऐसे ये क्या, अपने रुमाल से जूते जूते ज्यादा कीमती है और ये रुमाल से मुंह पोछोगे? नहीं तो इसे धो लूंगा। और अभी आके हम पी रहे हैं घर पे अपनी ग्रीन टी। मैं सोचा मैं आपको अपना आउटफिट दिखा दूं कि मैंने आज नया आउटफिट पहना था और ये है इसकी स्लीव्स। फ्रेंड्स, अभी आज का सैटरडे जो है वो खत्म होने वाला है, तो आपको क्विक क्विक अपडेट देती हूँ आज क्या हुआ। तो आज कुछ भी नहीं किया, आज बहुत आराम किया। और आज रिजा रेहान की मतलब कल जो संडे है तो छुट्टी है, तो मैंने उनसे बहुत दिन पहले से वादा करके रखा था कि मैं सैटरडे को इन्फिनिटी मॉल लेके जाऊंगी। वो बाउंस जो कूदने वाला था ना, जब सारा के साथ गए थे, जैमी भी गई थी, तो फिर आज इतना टाइम नहीं था। दिन भर टाइम ऐसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, तो हमने कहा इनको सरप्राइज देते हैं, इनको यहीं पास मूवी दिखाते हैं। 2 घंटे जो अंधेरी जाने में लगते वो 2 घंटे में हमने यहाँ पे फिल्म देख ली। शमशेर हमने देखी थी, बहुत अच्छी लगी। वही सारी चीजें हैं, आपको पता है कि क्या होगा एंड में, लेकिन जिस तरह से स्टोरी को बांधे रखते थे ना, सेम रिपीट हो रही थी। 3 घंटे की मूवी थी एक्चुअली, थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन मजा आया। इसी आधी मैंने नहीं खाई थी और ये वाली मैंने कैरेमल लालच में ले तो ली थी, लेकिन ये बहुत सारी नहीं खा सकते हैं, थोड़ी ही साथ में खा सकते हैं, तो ये बच गई है। बेटी खाला खा के देखो कैसी है। ये कैसी है? खाओ, अच्छी है। ये क्या है? गीली है? गीली नहीं है, मीठी वाली। अच्छी नहीं लगती मीठी, समझे? वैसी वाली रखो, इसको प्यार से बचा के लाए।
ये अच्छी गीली थी। रेहान तुमको शमशेरा कैसे लगी? बहुत अच्छी, एंड में तो मजा ही आ गया था, ट्विस्ट था एकदम। और तुम्हें कैसे लगी रजा? मुझे भी, क्योंकि मुझे लड़ाई वाली मूवी ज्यादा पसंद नहीं आती, इसमें ऐसे था भी नहीं कि ज्यादा लड़ाई हो, तो मुझे तो अच्छी लगी। लड़ाई तो बहुत थी, लड़ाई एक मिनट, लड़ाई बहुत स्पाइडरमैन वाली लड़ाई अलग होती है, तो उससे कम्पेयर करो तो हाँ देसी लड़ाई थी। सबसे अच्छा ये हुआ है फ्रेंड्स, सेवंथ फ्लोर के लिए ना हमें एक अच्छी सी घड़ी मिल गई, जो कॉम्बिनेशन हमें चाहिए था। तेरी साइकिल है वो, साइकिल जैसा तो है, उसमें क्या है? अच्छी तो है बेटी, गाला पहले देखो तो। ये हमारी घड़ी, अंग्रेजों के जमाने की घड़ी। हमने ये एक प्लांट वाला कुछ लिया है, प्लांटर क्या बोलते हैं इसके, इसके अंदर ये पौधा और ये स्टूल बहुत प्यारा है। बेटी काला कह रही है जल्दी सो जाओ वरना मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको अभी दिखाती हूँ। अभी नहीं, अभी दिखा, सुबह दिखाऊं या अभी? सुबह। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट डे हो गया बारिश के साथ। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं ऊपर और आधा घंटा हम चलेंगे इस ट्रेडमिल पर, ताकि मोटापे का बोझ ना पड़े इस तन पर। क्या हुआ शमशेरा देखने के बाद ना मेरे अंदर का भी ये फीवर जाग गया है इस तरह की शायरी बोलने का, क्योंकि इसमें कैरेक्टर था वो पूरी फिल्म में इसी तरह शायरी मिला मिला के बोलते हैं, तो बड़ा मजा आया, तो अब से मैं भी ऐसी करूंगी। वॉक जो है वो हो चुकी है 55 मिनट्स। डोरेमोन, कोई ऐसा गैजेट दे दो ना जिससे वजन कम हो जाता हो। तो जी वॉक जो है वो हो चुकी है, अभी चलते हैं कुछ काम धंधा भी देखते हैं। ये रूम दिखाने के काबिल तो नहीं है लेकिन देख लो हाल, लेकिन आज मैंने इसे सब कुछ ठीक कर देना है। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा डब्बे जो सारे हैं उसे उठाना है। कॉफी पाउडर कहाँ कर रहा है? मुझे लगता है भाभी का है, भाभी मुझे स्टारबक्स की मस्त लाई थी, उन्होंने ये कॉफी अपने लिए ली होगी, यहाँ पे आ गई, अब इसे यहाँ रख देते हैं। इनको जो है हम बाहर ले चलते हैं, सबसे पहले तो जिसकी जो जगह उसको वहाँ रख देते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग की सॉरी हम डाल चुके थे, तो इसे निकाल के हम जो दूसरा आउटफिट डालना है उसे इसमें लगा देंगे। अब ये जो भी नए नए कपड़े आते हैं इंस्टाग्राम से, ये सारे नए वाले सूटकेस में जाएंगे। इसको हम कर देते हैं अनबॉक्स। सूट जो है फ्रेंड्स लॉन्ग सूट, इसकी भी अनबॉक्सिंग हो गई है, तो इसे हम यहाँ से हटा देंगे और इसे डाल देंगे ये वाली चेयर के ऊपर। ये भी डन हो गया, इसको भी हम यहाँ रख देंगे। तो अभी ये भी डन हो गया, इसे भी यहाँ रख देते हैं। क्या हुआ, अभी मैं रूम की साफ ही कर रही थी और इतने से तनाव के माहौल में एक बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज ये मिल गई कि आइकिया से जो दो चीजें ऑर्डर की थी उसकी डिलीवरी मंडे ट्यूजडे हो रही थी और आज संडे को ही आ रही है, तो अभी रास्ते में है, तो वो भी आपको दिखाते हैं हमने क्या ऑर्डर किया था। जैसे सारे कपड़ों को मैंने घड़ी कर लिया, ये पैकेट में डाल के नीचे ले चले। हैंगर सारे खाली हो गए तो पैकेट्स रख के आज मैं रिजल्ट ऐसा काम कर रही हूँ, लेकिन इसमें मैं अपने नए नए सूट्स रखूंगी, इसलिए मैंने सारे इकट्ठा कर लिए। जब पूरा सेट हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तब ये स्टारबक्स वाले ये जो मग्स है ये रखेंगे। अभी हम इनके डब्बे निकाल के इनको इधर रख लेते हैं। भैया आप आईकिया का फर्नीचर फिटिंग करते हो? या रोड में ही हो, आ जाइएगा, एक वो शू रैक जो है मिरर सेट करना था, शाम तक आ जाएंगे, अभी आ जाइए, चलेगा? ठीक है, थैंक यू। Yes, अभी आ जाएंगे। देखिए सारी चीजें खाली हो गई, अभी आईकिया वाले भैया आएंगे लगाने। बहुत तेज भूख लगाई ना, ब्रेकफास्ट किया ना लंच, पहले कुछ खाएंगे फिर आके काम करते हैं। फ्रेंड्स सिलाई थोड़ी सी खराब हो गई थी, भैया को ठीक करने दी थी, तो उन्होंने साइड में ना ये बॉर्डर भी लगा दिया गोल्डन, तो और अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हो? लर्न नहीं हो रहा, नहीं, वो आंसर जितने पड़े पड़े। इसका काय का इंग्लिश और इसका मैथ्स दोनों ही। मुझे तो मतलब देख कर ही डर लग रहा है, वो खोल गए हो जाएगा। मैं 2 घंटे से ऊपर काम कर रही थी, आपको मेरी याद नहीं आई? 4 यासीन शरीफ पढ़ी, नमाज पढ़ी, कल की कजा पढ़ी, अभी की पढ़ी, अभी बस उठ के आए। जो शूट वाला रूम था ना, इतने सारे पार्सल, सबकी स्टोरी डाली हाँ, और ऊपर मिरर भी आ गया आईकिया से, और वो भी आ गया, और भैया फिटिंग करने भी आ रहे हैं अभी। अच्छा, तो सब हो जाएगा। बेटी काला तुमने मेरे बिना खाना खा लिया? एक घंटा दौड़ा, 1 घंटा सफाई की। खाने में आज है फ्रेंड्स मौदा स्पेशल दाल चावल। तो फिटिंग वाले भैया जो है वो आ चुके हैं फ्रेंड्स, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जब आप कोई चीज चाहो और आपको उसी वक्त मिल जाए ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो उन्होंने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। ट्यूशन तो फ्रेंड्स बाकी सामान लेके ये लोग आ गए थे, इनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा चल रही है, इसलिए नीचे फिर से भेज रहे। चलो निकलो, कुछ नहीं मैथ्स
सारा उसने कुछ समझ नहीं आता। मैं बहुत कुछ मैं बुक लेकर आया हूँ। जाओ फिर बुक लेके आ। जो फिटिंग है वो होती जा रही है और भैया बहुत अच्छे हैं, जल्दी जल्दी सारी चीजें करते जा रहे हैं, फाइनल हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। बहुत तेज बारिश हो रही है फ्रेंड्स, हम ये बंद कर लेते हैं। लैम्प के बल्ब ना फ्रेंड्स नीचे ही रखे हुए थे। रिहान अब टीवी देख लो कितनी बड़ी चाहिए। 165 सही है, 75 बहुत बड़ी हो जाएगी। एक हमारे सब्सक्राइबर भी कह रहे थे कमेंट में कि 75 बहुत बड़ी। बेटी खाला आज तो माई गई। रिजा तुम ज्यादा पढ़ाई कर रही हो ना, इसलिए मंगाया है। अच्छा लगता है, सालू लगता है यहाँ से जाए ना। कितना आंखों को ठंडक लग रही है ना, आंखों में पूरी नदी बादल ये सब, ये पूरा रोड, ये जंगल। लैंप अच्छा है ना? बहुत अच्छी है, जला लीजिए। जला बोल रही है, बोल रही है ले जाओ बाहर का लैंप, जलाओ। हो गया? हाँ जल गया, देखो कितने अच्छे लग रहा है। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जैसे सुबह से आई हूँ फ्रेंड्स, तब से खड़ी हूँ यहाँ पे, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आज ही सारी चीजें हो गई। अभी थक हार के मैं ये कोक जीरो पी रही हूँ और रेहान क्या खा रहे फ्राइज। बच्ची कुछ ही थकान थी तो वो उसने और ज्यादा करवा दी, लिफ्ट खराब हो गई, अब सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। फ्राइज खा लिए? खा ली बेटा, खा के तब चल गया। तो रेहान यहाँ पे बड़े ही ध्यान से मैथ्स समझ रहा है, उसका मैथ्स का एग्जाम है ना। तो फ्रेंड्स अभी हम ऊपर आ गए, हम जा रहे हैं टीवी लेने के लिए। उससे पहले मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा अपडेट देती हूँ। हॉल जो है थोड़ा बिखरा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये दिखाना था आईकिया से जो हमने ये सेंटर टेबल ली थी, दो का सेट है फ्रेंड्स। ये ऐसे रहेगा, जैसे आपको पता है कि मुझे ज्यादा भरा हुआ घर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बहुत छोटा लिया। इजीली उठा के इसको कहीं भी रख सकते हो, कुछ काम नहीं है, तो आप इसको इस तरह ही अंदर भी कर सकते हो। टेबल मुझको पड़ा है अराउंड 4000 के कुछ, तो मैंने सोचा आपको आइडिया के लिए अब बताते जाऊँ कि आइडिया के जो प्राइस है वो किस तरह के है। ये देखो रिजा, देखा तुमने मशीन? ये भाभी लेके आई है मुझे लगता है, क्योंकि उनके ही सामान में निकली है। ये नॉर्मल मशीन है जो कॉफी बीन्स डालो और बनेगी कॉफी। ऐसा जगह ले ली? हाँ। रिजा फिर धीरे धीरे जब सामान बढ़ेगा तो फिर स्टोरेज के लिए जगह अच्छा, नहीं तो है। समझ नहीं तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक लिया था हमने, ये शू रैक है, काफी जगह है यहाँ अंदर जाने की। इसके ऊपर हमने वो देखा है, मैंने मिरर वाले भैया को बोला है कुछ बनाने के लिए, नहीं देखा? मैंने ब्लॉग में दिखाया है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। चलो अच्छा, अभी एग्जाम चल रहे हैं तो ये लोग नहीं देख रहे हैं, गुड बच्चे हैं। तो आज भैया ने इसे असेंबल कर दिया। अगर आप पास से देखेंगे फ्रेंड्स तो ये एक कागज का बना हुआ लैंप है रिजा, 3000 के अराउंड कुछ मिला है हमको। मुझे लगा था कुछ मतलब जूड वूड टाइप का होगा, लेकिन कागज का संभाल के रखना, अगर पानी वानी पड़ गया तो फिर अच्छा वो ऐसा हो जाएगा। और थर्ड नंबर में फ्रेंड्स ये मिरर, इसकी हाइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है, और इसकी बॉडी जो है वो लोहे की है। वुडन वाला मुझे ज्यादा इसलिए अच्छा लगा था कि वो इससे थोड़ा चौड़ा था और ज्यादा लंबा था, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं था। तो ये मिल गया 3500 के आसपास कुछ होगा, 400 तो कम ही था। पीछे से इसको जो टिकाने का तरीका है वो कुछ इस तरह है, इसके साथ आया था। और ये क्यों है? कुछ कपड़े टांगने के लिए। इस तरह से फ्रेंड्स ये मिरर काम आता है, तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आता है इसलिए मैंने आपको दिखाया। ये सारा फैलावा हम कल सेट करेंगे, यहाँ पे भी हम कल जमाएंगे। देखिए मुझे सबसे अच्छी वॉल लग रही है, क्योंकि ये घड़ी जो है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और गोल्ड भी है, तो हमारे घर के थीम के हिसाब से एकदम परफेक्ट घड़ी मिल गई है। फ्रेम उस दिन आईकिया से लिए थे फ्रेंड्स, ये 3 फ्रेम यहाँ पे आएंगे, इसके लिए अभी हमें पेंटिंग सर्च करनी है। ये लैम्प भी फ्रेंड्स हमने पहले आईकिया से लिया था, इसका हमें बल्ब लेना है। प्यारे सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, इनको अभी क्लीन करना। तो अभी हम निकल गए हैं टीवी ऑर्डर करने के लिए, इतनी भीड़। यहाँ से निकल रहे हैं और हमें ऑटो नहीं मिल रहे हैं, बारिश भी हो रही है, देखते हम लोग थोड़ा सा पैदल पैदल जा रहे हैं। बहुत बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्हें कुछ अच्छा फील करना चाहिए। हमने उन्हें 20 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए थे, क्योंकि ऐसे वक्त पे जब कोई नहीं रुक रहा था वो बेचारे रुके, वरना हम पूरे ही भीग जाते हैं। ले ली टीवी, परसों आएगी। 10:05 बचे हैं, घर आ चुके हैं। ये ब्लॉग अभी मुझे एडिट करके डालना है, संडे है, पता नहीं आप लोग घूम रहे होगे, मस्ती कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे। जब भी टाइम मिलेगा मेरा ब्लॉग तो देख ही लोगे, तो मैं अभी डाल देती हूँ। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना है?
दाल चावल भाभी खीर ले गई। अच्छा हम खाएंगे, पहले इस व्लॉग को एडिट करते हैं। फ्रेंड्स 10:30 बजने में 5 मिनट बचे हुए हैं, व्लॉग पूरा एडिट हो गया, एंडिंग नहीं ली थी तो एंडिंग लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हमने खाना नहीं खाया, अभी बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। चलो अम्मा अल्लाह हाफिज़ कर लो। नहीं अम्मा उठा मत करो, लेटे लेटे कर लो। अल्लाह हाफिज़। सब एक साथ बोल दिया करो, अल्लाह हाफिज़। टीवी जो है हमने कौन सी ली है वो इंशाल्लाह आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा।